इस वाले सीन में यूफो टेबल वालों ने अकाज़ा को इतने स्क्रीन टाइम क्यों दिया, क्योंकि यहाँ पे कुछ स्पेशल था। नेज़ुको का सन से जलने का पैटर्न और बाकी डी1 के जलने का पैटर्न अलग क्यों है? इसी के साथ तुमने म्यूचिरो के कटाना टूटने वाले सीन में कुछ नोटिस किया क्या? एंड तुमने ये सीन देखा होगा जिसमें तांजिरो हानतेंगु को बार बार भागने से मना कर रहा है, बट यहाँ पे कुछ ज्यादा ही फोकस नहीं हो गया? इसमें भी बहुत सारी डिटेल छुपी हुई है। इससे भी ज्यादा तगड़े तगड़े ईस्टर एग्स इस वीडियो में आने वाले हैं, और तुम्हारे लिए खास बात, इसमें कोई स्पॉइलर नहीं होने वाला। सबसे पहले बात करते हैं अपने रिज हाशिरा तांजिरो के बारे में। मैंने ये बात तुम्हें बहुत बार बता रखी है कि तांजिरो की रिज ब्रीथिंग ने बहुत सारे बंदों को लपेटा है। इसकी रिज ब्रीथिंग से लगभग कोई बच ही नहीं सकता, और यही सेम बात अप्लाई होती है स्वॉर्ड स्मिथ विलेज वालों के ऊपर भी। इसकी रिज ब्रीथिंग से स्वॉर्ड स्मिथ विलेज वाले भी नहीं बचे। तुमने स्वॉर्ड स्मिथ विलेज के लास्ट एपिसोड में ये देखा होगा, थैंक यू तांजिरो, तांजिरो तो लंबा ही लगा, टूटे तो हम जोड़ देंगे, चाहे वो कोई सी बेटा हमारे घर से खाना खा के तो चले जाते। लेकिन यहाँ पे एक मस्त बात यह है कि ये सीन मांगा में कभी था ही नहीं। तो हाँ, यहाँ पर एक ईस्टर एग ये है कि यूफो टेबल वालों ने इस सीन को खींचा है और बढ़िया बनाया है, क्योंकि हम सभी को ये बात बताया जो सीजन 3 है डेमन स्लेयर का, वो बहुत ज्यादा हाइप था। तो इसके हाइप कम ना हो, लोगों को ये बहुत ज्यादा पसंद आया, इसलिए इन्होंने लास्ट वाले एपिसोड को बहुत ज्यादा इमोशनल बनाया। लेकिन ये हिडन डिटेल कुछ भी नहीं है तांजिरो की आगे आने वाली हिडन डिटेल से, लेकिन उससे पहले ज़ेनित्सु के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो डेमन स्लेयर के सीजन 2 में ये वाला सीन याद होगा जहाँ पे ओइरान ज़ेनित्सु को कैंडीज ऑफर करती है, और मुझे और तुम्हें हम सभी को ये लग रहा था कि जो ज़ेनित्सु है वो इन ओइरान्स के ऊपर ध्यान ना देके सिग्मा बनने की कोशिश कर रहा है और उनसे दूर भाग रहा है, और टेंगन ने बेमतलब का ही ज़ेनित्सु के सर पे घुसंड पेल दिया। तो मैं अब तुम्हें ये बता देता हूँ कि हम सभी गलत सोच रहे थे, जहाँ पे बहुत तगड़ी डिटेल छुपी हुई है। एक्चुअली में जो अपना ज़ेनित्सु है वो कोई सिग्मा और चैन नहीं है, वो इन ओइरान्स के पास ही जा रहा था, और ज़ेनित्सु उनके हाउस में घुसने ही वाला था, लेकिन तभी वहाँ पे टेंगन आ गया और उसे पकड़ के ले गया। खैर, अपना ज़ेनित्सु तो फिसलता रहता है, लेकिन अपना तांजिरो भी कम नहीं है। तांजिरो स्टीवन को मारते हुए क्लिफ से गिरने वाला था, लेकिन नेज़ुको ने उसे बचा लिया, एंड सेम ही कॉन्सेप्ट रिपीट हुआ था सीजन 3 के लास्ट एपिसोड में। लेकिन इस बार नेज़ुको बचा नहीं पाई थी तांजिरो को, क्योंकि नेज़ुको खुद भी गिर गई थी। यहाँ पे जो राइटर है वो करेक्शन मारने की कोशिश कर रही थी सीजन 1 और सीजन 3 में कि देख लो भाई, तांजिरो को नेज़ुको ही बचाती है गिरने से हर बार। तो बहुत सारे लोगों ने मुझसे ये पूछा था कि यूरोसेजी क्या तांजिरो सीजन 3 में थंडर ब्रीदिंग यूज कर रहा था? तो देखो गाइस, मैं तुम्हें ये चीज समझाने की कोशिश करता हूँ। अब तुम इस सीन को जरा ध्यान से देखो, तुम्हें ये लग रहा होगा कि जो तांजिरो है अपना वो हिनोकामी कागुरा यूज कर रहा है। तुम यहाँ पे ये चीज नोटिस कर सकते हो कि तांजिरो के मुंह के आसपास ब्रीथ इफेक्ट आ रहे हैं, जैसे ज़ेनित्सु के मुंह के आसपास आते हैं। खैर, ये चीज कॉमन है, तांजिरो को हमने ये सब करते हुए देखा है पहले। लेकिन जब ये इस सीन में भाग रहा था, तब यहाँ पे हमको हिनोकामी कागुरा इसी के साथ साथ थंडर ब्रीदिंग दोनों के इफेक्ट दिखाए गए थे। तो हम यहाँ पे ये नहीं कह सकते कि तांजिरो जो है वो प्रॉपर थंडर ब्रीदिंग यूज कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं उसका मिक्सचर है इधर। अगर किसी को अपना सजेशन देना है इसके ऊपर तो कमेंट पे दे सकता है। अब मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि यूफो टेबल वाले कितनी मेहनत करते हैं और कितनी तगड़ी फील देते हैं हर सीन में। खास कर इस वाले सीन में तुम ये चीज देख सकते हो, ओइचिरो के स्वॉर्ड स्मिथ ने स्वॉर्ड का कवर पकड़ रखा है, क्योंकि ओइचिरो ने बस स्वॉर्ड ली थी, ना कि स्वॉर्ड का कवर। और बहुत सारे बंदों को तो ये तक लग रहा था कि यार कोई दूसरे स्वॉर्ड है उसके स्वॉर्ड स्मिथ के पास, लेकिन ऐसा नहीं था, एक्चुअली में वो स्वॉर्ड का कवर था। और ये चीज इतनी फास्ट हुई थी कि यार कुछ पता ही नहीं चला था, और तभी वो इतनी जल्दी ऑक्टोपस को काट पाया। लेकिन जो एक्चुअल लेगेसी होती है वो स्वॉर्ड स्मिथ की पूरी की पूरी तलवार के साथ साथ कवर देने की होती है स्वॉर्ड्समैन को। और तुम यहाँ पे ये चीज देख सकते हो कि कैसे हागनेज़ुको ने तलवार दी थी तांजिरो को, वो भी फर्स्ट टाइम। ये बस छोटी सी डिटेल थी, तो मैंने सोचा मैं तुम्हें बता दूं। अब आते हैं एक मेन डिटेल पर। तुमने ये सीन देखा होगा जहाँ पे तांजिरो हानतेंगु को बार बार कहता डोंट रन अवे। यहाँ पे इसका एक ये था कि जब हानतेंगु अपने ह्यूमन फॉर्म में था, तब वो बार बार अपने क्राइम से भागने की कोशिश करता था। वो हर बार क्राइम करता और ये बोलता कि ये क्राइम मैंने नहीं किया है। हानतेंगु हर चीज से भागने की कोशिश करता था, चाहे वो रियलिटी हो, उसके सिन हो या उसके क्राइम। इसलिए बार बार तांजिरो उसको भागने से मना कर रहा था, और यही बहुत बड़ी डिटेल थी इस पूरे के पूरे सीजन में। यूफो टेबल वाले अपने ओपनिंग में ही इतने सारे ईस्टर एग डाल देते हैं। अब जैसा कि तुम यहाँ पर देख सकते हो, ओपनिंग में जब तांजिरो अपना हिनोकामी कागुरा यूज कर रहा होता है, तो तभी योरिची की एक शैडो बन रही होती है उसके पीछे, और ये डिटेल बहुत सारे लोगों से मिस हुई है। लेकिन ये डिटेल कुछ भी नहीं है आगे आने वाली डिटेल के सामने, एंड ये वाली डिटेल वन ऑफ द फेवरेट डिटेल्स वैसे है मेरी। अगर तुमने खाली एनीमे देखा है तो तुम्हें ये लग रहा हो कि म्यूचिरो का बास्ट यार बड़ा सैड है, लेकिन ये देखो इस सीन में तुम्हें म्यूचिरो का पापा दिख रहा होगा। मांगा में इतनी ज्यादा डिटेल नहीं दिखाई गई है। यूफो टेबल वालों ने इसके पास्ट में बहुत ज्यादा डिटेलिंग करी है, जैसे म्यूचिरो के पापा का क्लिप से गिरना। म्यूचिरो के पापा का क्लिप से गिरने वाला सीन है ही नहीं मांगा में। मांगा में बस डेथ का रीजन दे दिया गया है कि भाई वो क्लिप से गिरकर उसकी डेथ हुई। अब बात करते हैं आगजा की एंट्री के ऊपर। आगजा की एंट्री में बहुत सारी डिटेल्स डाल दी गई है, एंड वो भी आने वाले सीजन के लिए। तुम यहाँ पे देख सकते हो कि ये वो जगह है जहाँ पे डोमा लड़ेगा, और ये वो जगह है जहाँ पे कोकुशिबो लड़ेगा। कमाल की बात यह है कि जितनी ज्यादा ग्रैंड एंट्री एनीमे में दिखाई गई है, मांगा में कुछ है ही नहीं ऐसा। मांगा में तो बस समनिंग दिखा दी गई सीधा। अब बात करते हैं एक और कमाल की डिटेल के बारे में। हमने सीजन 3 की ओपनिंग में ये देखा था कि योरिची टाइप 0 से लड़ते समय म्यूचिरो की जो तलवार थी वो टूट गई थी, और वैसा ही सेम एपिसोड के अंदर भी हुआ था, लेकिन मांगा में ऐसा कुछ है ही नहीं। मांगा में म्यूचिरो की तलवार को टूटते हुए दिखाया ही नहीं गया। मेरा तुमसे क्वेश्चन है, जो तारों के बाल आखिर ग्रीन क्यों है?
चलो मैं ही बता देता हूँ। ग्रीन बस दिखाने का ये मतलब है कि अपनी पूरी जिंदगी ग्यूतारो बस लोगों से जलता हुआ आ रहा था। ग्यूतारो को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि डाकी को कितना ही कोई भी पेल दे, जैसे कि टैंगर और कामाबोको स्क्वाड ने किया भी था। वो पूरी की पूरी फाइट बस इस बात से जल रहा था कि ये टैंगर इतना हैंडसम क्यों है, उसकी तीन वाइफ्स कैसे है। तो हाँ, इसका ग्रीन बस दिखाने का बस यही रीजन था। और मुझे ये लग रहा है कि तुम ये सोच रहे हो कि ये बात सेंस नहीं बनाती, लेकिन तुम्हारी उन्हें कमेंट की तरफ जाए उससे पहले मैं तुम्हें ये बता देता हूँ कि जो ग्रीन कलर होता है वो एनवी को शो करता है। तो अब तुम्हें ये तो पता चल गया कि ग्रीन कलर का क्या मतलब है, लेकिन क्या तुम्हें ये पता है कि नेज़ुको के जलने का पैटर्न ऐसा क्यों था? यहाँ पे एनिमेटर्स ये शो करने की कोशिश कर रहे थे कि यहाँ पे जो अपनी नेज़ुको है वो सन से इम्यून करते जा रही है। ये बहुत ज्यादा तगड़ी और कॉम्प्लिकेटेड हिडन डिटेल थी जो कि एनिमेटर्स ने यहाँ पे शो करा है। और अगर तुम दूसरे डिवाइस को चलते हुए देखोगे तो वो डायरेक्ट चल जाते हैं, और तुम यहाँ पे दोनों के बीच में डिफरेंस देख ही सकते हो। नेज़ुको ने अपनी पुरानी वाली स्किन को शेड कर दिया है और जो उसकी नई स्किन है उसको सनलाइट से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब फिर से चलते हैं अपने रिस हाशिरा तांजिरो की तरफ। तो हम सभी ये जानते हैं कि जो अपना तांजिरो है वो स्मेल से पता लगाता है डीमंस का। तांजिरो एक ही समय पे दो डीमंस को सेंट कर रहा था, उनमें से एक क्लोन था और एक रियल बॉडी थी। और यहाँ पे दो तरीके की सेंट भी दिखाई गई है, एक ग्रे और एक रेड। यहाँ पे एक माइनर डिटेल है, तुम यहाँ पे रेड वाली सेंट को देख सकते हो जो कि बहुत कम आती थी, और ग्रे वाले की सेंट बहुत ज्यादा थी। ऐसा इसलिए है क्योंकि क्लोन बड़ा था और हांदेंगू की रियल बॉडी छोटी थी, इसलिए जो बॉडी बड़ी है उसकी ज्यादा स्मेल आ रही थी और जो बॉडी छोटी है उसकी कम स्मेल। मुजान डीमन कैसे बना? तुमने ये चीज देख ली कि मुजान ने डॉक्टर की दवाई खाई और दवाई खा के मुजान बन गया डीमन। लेकिन बात यही भी खत्म नहीं होती। तुम कुछ सोचो क्या दवाई खाने के बाद कोई अपनी ब्लड डीमन आर्ट भी बना सकता है जो कि किसी मैजिक से कम नहीं है? तो क्या इसका मतलब यह है कि वो डॉक्टर असलियत में डॉक्टर ना होकर एक साइंटिस्ट या रिसर्चर था जो कि मुजान के ऊपर अपनी दवाइयों का एक्सपेरिमेंट कर रहा था? खैर, ये तो एक प्लॉट होल है। पता नहीं कौन सी ऐसी चीज है जिसे खा के बंदे डीमन बन जाते हैं और डीमन बनने के बाद उनके पास ऐसी खतरनाक सी पावर और आ जाती है। मतलब यार क्या कमाल की दवाई थी, इसे खाने के बाद इंसानों को खाने की तरफ चढ़ती है। तुम लगभग इमोर्टल बन जाते हो, लेकिन तुम बस रातों में ही निकल सकते हो, दिन में नहीं घूम सकते। खैर, अगर तुम्हारे पास इसका आंसर है तो तुम कमेंट बता सकते हो। तो चलो, ये तो थे हिडन डिटेल्स। लेकिन क्या तुम्हें पता है कि तामायो को सन ब्रीदिंग और योरिची के बारे में सब कुछ पता था, तब भी उसने युवा याशिकी को, यहाँ तक कि तांजिरो को भी सन ब्रीदिंग के बारे में कुछ नहीं बताया? वेल, बात करते नेक्स्ट वीडियो में।